Hello everyone, welcome to Genic Education. So previously we have seen the concepts of the power flow, ठीक है, उस पर हमने कुछ numericals किए थे, but अभी numericals आपके खत्म नहीं हुए, अभी और भी numericals आप देखो, क्योंकि power वाले calculation भी जब numericals आपके बनते हैं तो आपसे गलतियां बहुत सारी होती हैं, ठीक है, इसलिए power वाली चीजों को मैं ज्यादा emphasize कर रहा हूँ. तो आप देखिए जरा इस numerical में क्या बोला आपसे, मेरे पास 10 kilowatt, 250 volt DC shunt generator है. पहली चीज ये कैसा generator है? Shunt generator. तो मैंने shunt generator पहले से ही create कर दिया है. अब बताइए मुझको ये चीज क्या represent कर रही है? ये चीज क्या? मैंने आपको rating का meaning बताया था generator और motor में. तो rating meaning बताया था मतलब rated condition पे जो generator का output power होगा वो कितना होगा? 10 kilowatt. करेक्ट हुई इतनी बात. और जो आपके पास VT टर्मिनल वोल्टेज होगा वो कितना होगा आपके पास? 250 वोल्ट. तो ये आपकी रेटिंग आपको दे रखी है, तो आपको समझना पड़ेगा आउटपुट है कि इनपुट क्या है. तो ये कैसा पावर होगा? आउटपुट पावर. तो मैं कह दिया एट रेटेड कंडीशन या फुल लोड कंडीशन आप जो बोलते हो, ठीक है, कितनी वैल्यू है? दैट इज इक्वल टू पी आउट इज इक्वल टू कितना है? 10 kilowatt. करेक्ट हुई इतनी बात. VT की वैल्यू कितनी बेटा? 250 वोल्ट. समझ में आई इतनी बात. अब देखिए, अब आपसे बोला है द टोटल नो लोड लॉसेस. तो नो लोड लॉसेस तो फिक्स्ड लॉसेस होते हैं. तो नो लोड लॉसेस जो आपके पास अवेलेबल है दिया हुआ है, नो लोड लॉसेस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? दैट इज इक्वल टू 400 वॉट. या इसको लिख देता हूं पी नो लोड लॉसेस. क्लियर इतनी बात. अब आपको दिया द आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस एंड फील्ड रेजिस्टेंसेस आर इतना, मतलब आर ए की वैल्यू आपको दिया है दैट इज इक्वल टू 0.5 ओम. करेक्ट, ठीक है. नेक्स्ट आरएफ की वैल्यू आपको दिया है 250 कितना ओम. समझ में आई इतनी बात. अब आपसे यहां कोई लोड है, जनरेटर है, तो लोड यहीं पे होगा. दिस इज माय लोड. करेक्ट हुई इतनी बात. अब देखिए आपसे पूछा है कैलकुलेट द शाफ्ट पावर इनपुट एंड इफिशियंसी एट रेटेड लोड. मतलब जब आपका रेटेड लोड कंडीशन पर आपको होगा तो आपको बताना है जो इसके शाफ्ट पे जो इनपुट रहा होगा, जो मैकेनिकल इनपुट जिसको आप बोलते हो, तो ये कैसा होगा? मैकेनिकल इनपुट पावर कितनी रही होगी, ये आपसे पूछा, और उसकी इफिशियंसी आपसे पूछा है. तो आप बताइए मेरे को, अगर इनपुट आपको निकालना है तो मैंने क्या बताया था? पी इनपुट इज इक्वल टू ऑलवेज पी आउट प्लस कितना? लॉसेस. करेक्ट हुई इतनी बात, ठीक है. अब लॉसेस में भी सारे लॉसेस आपके होंगे. एक क्या लॉस होगा? जो नो लोड लॉस होगा. रेस्ट के आपका जो वाइंडिंग लॉसेस क्रिएट हो रहे हैं, सारे लॉसेस को मैं मिला के करूंगा, ठीक है. तो आप बताइए मेरे को, पी आउट की वैल्यू तो आपको पता है कितना, बोलिए? 10 kilowatt दिया ना, रेटेड पे 10 kilowatt है ना पी आउट, ठीक है, प्लस का कितना? लॉसेस. तो चलिए हम लॉसेस कैलकुलेट करते हैं. तो लॉसेस इसमें क्या है? एक तो आपके पास नो लोड लॉस है, तो मैं यहां क्या लिख दूंगा बेटा? नो लोड लॉस. एक तो नो लोड लॉस हो गया, नो लोड लॉस प्लस नेक्स्ट लॉस. बताइए इस सर्किट पूरा क्या दिख रहा है? आई ए स्क्वायर इंटू कितना, बोलो? आई ए स्क्वायर इंटू कितना? आर ए. नेक्स्ट बोलिए लॉस क्या होगा? आई एफ स्क्वायर इंटू कितना? आर एफ. करेक्ट हुई इतनी बात. तो आप बताइए मेरे को, मुझको ये वैल्यू पता है, तो 10 किलोवाट प्लस नो लोड लॉसेस 400 वॉट है, प्लस आई ए स्क्वायर इंटू कितना? आर ए. प्लस कितना? आई एफ स्क्वायर इंटू कितना? आर एफ की वैल्यू. करेक्ट हुई इतनी बात. अब बताइए आर ए और आर एफ आपको पता है, आरए और आरएफ आपको बेटा पता है, आपको निकालना आईए और कितना आईएफ. चलो इसको देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो आप देखिए जरा ध्यान से देखना इस चीज को. वीटी आपको पता है कि नहीं पता? वीटी की वैल्यू कितनी दे रखी है, बोलिए जरा? 250 वोल्ट. अगर वीटी आपको पता लग गया तो बताइए वीटी ये भी, वीटी ये भी, वीटी ये भी, तो इसका मतलब मैं आईएफ निकाल सकता हूं. तो आईएफ इज इक्वल कितना हो जाएगा? वीटी डिवाइड बाई कितना? आरएफ. दैट इज इक्वल टू वीटी की वैल्यू कितनी है? 250 डिवाइड बाई कितना? आरएफ. आरएफ की वैल्यू कितनी? 250. करेक्ट हुई इतनी बात. इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर. कितना बेटा? 1 एम्पियर. तो इसका मतलब हो गया कि आप पास आई एफ वैल्यू 1 एम्पियर आ गई थी. हाँ, मैं और लिख सकता हूं कितना? 10 किलोवाट. देखते जाइए बस, ठीक है. 400 वॉट प्लस बताइए कितना? आई ए स्क्वायर अभी नहीं पता हमको. आर ए, आर ए की वैल्यू आप पुट कर दो कितनी है? 0.5. प्लस बोलिए कितना? आई एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 1 एम्पियर. 1 के स्क्वायर 1, तो 1 इंटू आर एफ. आर एफ इज हाउ मच? दैट इज इक्वल टू 250. करेक्ट हो रही इतनी बात, ठीक है. अब देखिए, अब लास्ट बचा भी केवल आईए निकालना. अगर आईए निकल गया तो इट्स ओवर, ठीक है, सब कुछ खत्म आपको हो जाएगा. तो आईए की वैल्यू देखिए जरा कैसे निकलेगी. आईएफ वैल्यू कितनी है? 1 एम्पियर. करेक्ट है. अब अगर मुझको लोड करंट आपको पता चल जाए तो आप क्या निकाल सकते हो? आप आईए की वैल्यू निकाल सकते हो. तो लोड करंट अगर निकालना है तो आपको यहां की पावर पता कितनी है? 10 किलोवाट. करेक्ट हुई इतनी बात. एंड दिस पावर इज इक्वल कितना होगा? वीटी टाइम्स ऑफ कितना? आईएल. तो आप बताइए आईएल इज इक्वल कितना होगा, बोलो बेटा? 10 × 10 पावर कितना? 3 डिवाइड बाई वीटी. वीटी की वैल्यू कितनी है? 250. करेक्ट हुई इतनी बात. तो आईएल की वैल्यू जरा हम निकाल लेते हैं. आईएल की वैल्यू अगर हम निकालते हैं मुझको कितना आ जाएगा? 10,000. तो मैं कितना करूंगा? 10,000
डिवाइड बाई कितना बेटा 250, करेक्ट हुई इतनी बार, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 40 एम्पियर, कितना बेटा 40 एम्पियर, तो दिस वैल्यू विल बी हाउ मच 40 एम्पियर, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 40 एम्पियर, तो आईएल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 एम्पियर। अब बताइए आईएल की वैल्यू 40 एम्पियर है, आईएफ वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर है, तो आईएफ वैल्यू कितनी होगी, लगाइए आप केसीएल, दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा 41 एम्पियर, तो मैं कह दूंगा आईएफ वैल्यू कितनी होगी 41 एम्पियर, तो आईए इज इक्वल कितना हो जाएगा 41 एम्पियर। यहां रख देते हैं इसको, 10 × 10³ प्लस 400 प्लस 41 का क्या बेटा स्क्वायर इंटू 0.5 प्लस कितना 250, सब कुछ वाट में है, आप इसको जरा कैलकुलेट करिए और बताइए जरा कितना आ जाएगा। तो मैं निकाल देता हूं इसको, 41 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा 1681 मल्टीप्लाइड बाय कितना बेटा 0.5, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 840.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 840.5 वाट, करेक्ट हुई इतनी बात। अब सब जोड़ देते हैं जरा, तो दिस प्लस कितना 250, करेक्ट हुई इतनी बात, प्लस कितना, प्लस बताइए कितना 400, नेक्स्ट बताइए प्लस कितना 10,000, तो 10,000 आपके पास हो गया, तो आपके पास ये वैल्यू टोटल आ गई बेटा 11,490.5 वॉट, या आप कह सकते हो 11.49 कितना किलोवाट, ये आपका क्या आ गया इनपुट पावर आ गया। तो आपने इनपुट पावर बेटा निकाल दिया, इतनी वैल्यू आपके पास निकल गया आ गई इनपुट पावर की। तो आपकी एक चीज निकल गई कि जो इस डीसी शंट जनरेटर को जो मैकेनिकल इनपुट चाहिए होगा वो कितना चाहिए होगा आपको, इतना अमाउंट ऑफ इनपुट चाहिए होगा, ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है किसका, मैकेनिकल का, करेक्ट हो इतनी बात। अब अगर इफिशियंसी आपसे पूछता है तो इफिशियंसी इज इक्वल क्या होता है, बोलिए इफिशियंसी रेटेड कंडीशन पर आपसे पूछ रखा है, बोलिए पी आउट की वैल्यू रेटेड पर कितनी है 10 किलोवाट, 10 × 10³ डिवाइड बाई कितना इनपुट पावर, इनपुट पावर कितना है 11.49 कितना इंटू 10³, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो आप बताइए इसकी इफिशियंसी निकाल दो जरा, तो कितना आ जाएगा बोलिए बेटा, ये आपके पास आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 11.49, ये वैल्यू आ गई 8.87, मल्टीप्लाई 100 आप कर दो तो 87.03%, 87.03 कितना परसेंट, समझ में आ गई इतनी बात। तो आपके पास इफिशियंसी की वैल्यू आ गई 87.03% आपकी, तो यह आपने सब कुछ किस पे निकाल लिया बेटा, रेटेड कंडीशन पर आप फाइंड आउट कर लिए कि इफिशियंसी और इनपुट पावर कितना होगा, तो ये कुछ इस तरीके से आप सोल्यूशन करोगे। तो सोल्यूशन अप्रोच आपका बहुत ही अच्छे से होना चाहिए, किस वे में आप सोल्यूशन का परफॉर्म करते हो, यह आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है, करेक्ट हुई इतनी बात। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है मैक्सिमम इफिशियंसी और करेस्पॉन्डिंग पावर आउटपुट, देखिए अब जरा इसको हम कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब आपसे पूछा है मैक्सिमम एफिशिएंसी के बारे में, तो आप एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, आपके पास जो डेटा अवेलेबल है, डेटा आपके पास कुछ इस तरीके का अवेलेबल है, दैट इज ऑन द रेटेड कंडीशन, ठीक है। अब अगर ये मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछता है तो क्या मीनिंग होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी का, आपको मैंने बताया था एट मैक्सिमम एफिशिएंसी आपके पास क्या होगा बोलो बेटा, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे जो आपके पास कांस्टेंट लॉसेस होंगे, कांस्टेंट लॉसेस मस्ट बी इक्वल टू किसके आना चाहिए आपके वेरिएबल, मतलब वेरिएबल लॉस को होना पड़ेगी इक्वल किसके, कांस्टेंट लॉसेस के, करेक्ट हुई इतनी बात। अब बताइए मेरे को इस पूरे सर्किट, अब ये सब डेटा काम नहीं आएगा आपके पास, ठीक है, क्या नहीं काम आएगा, ये 10 किलोवाट नहीं काम आएगा, ये आपका 40 एम्पियर काम नहीं आएगा, ये कुछ भी डेटा काम नहीं आने वाला, इतना ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। क्यों नहीं काम आने वाला है, इसलिए बेटा काम नहीं आने वाला है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन में आपका आउटपुट पावर चेंज कर जाएगा, इनपुट पावर आपका चेंज कर जाएगा, करेक्ट हुई इतनी बात। तो इनपुट एंड आउटपुट पावर जो ऑलरेडी गिवन है दैट इज ऑन द रेटेड कंडीशन, और ट्रांसफॉर्मर मैंने आपको बताया था मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन में जो वोल्ट एम्पियर आपका होता था वो भी बदल जाता था। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर एफिशिएंसी आपसे पूछे एट ईटा मैक्स तो इज इक्वल कितना होगा पी आउट डिवाइड बाय कितना बोलो बेटा पी इन, लेकिन ध्यान रखना ये जो पी आउट है वो भी किस कंडीशन के लिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन के लिए, जो पी इन है वो भी किस कंडीशन के लिए आपके पास, मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन के लिए। इसका मतलब इसी चीज को मैं लिख सकता हूं पी आउट मैक्स मत लिखो, मैक्स से आप कंफ्यूज हो जाओगे, एट व्हाट, एट ईटा मैक्स कंडीशन में, एट ईटा मैक्स कंडीशन, तो पी आउट एट ईटा मैक्स कंडीशन पे डिवाइड बाय कितना पी आउट एट ईटा मैक्स कंडीशन प्लस कितना
लॉसेस, लॉसेस में आपके पास क्या क्या होते थे, एक वेरिएबल लॉस होता था प्लस कितना कांस्टेंट लॉसेस। तो आप बताइए अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो यहां क्या लिख सकते हो, टू टाइम्स ऑफ कितना कांस्टेंट लॉसेस। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है आपको क्या करना है, गलती यहां करोगे इस पॉइंट पे करोगे, अगर आपने आउटपुट यही ले लिया 10 किलोवाट इट्स अ रॉन्ग आंसर, अगर आपने इनपुट यही ले लिया जो आपने अभी कैलकुलेट किया थोड़ी देर पहले 11.49 आपने कैलकुलेट किया दैट विल बी रॉन्ग अगेन, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि ये कंडीशन किसकी बात कर रहा है, मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन बात कर रहा है। इसका मतलब इनपुट पावर और आपका क्या और आपका आउटपुट पावर आपको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक चीज नहीं बदलेगी, कौन सा लॉस, कॉन्स्टेंट लॉस नहीं चेंज होने वाला, जो पहले था वही अब भी रहेगा, करेक्ट हुई इतनी बात। तो चलिए कांस्टेंट लॉस में क्या क्या होगा चलो देखते हैं जरा, वेरिएबल लॉस इस पूरे सर्किट में आप देखिए जरा क्या होगा, एक तो होगा वेरिएबल लॉस में लिखता हूं यहां पे, वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कितना होगा बोलो, आई ए स्क्वायर इन टू कितना आर ए। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा होगा, इसलिए होगा कि आई ए जो करंट होगी दैट इज इक्वल टू कितना आई एल प्लस कितना आई एफ की इक्वल है कि नहीं बोलो ना। अगर आई एल आपका चेंज करेगा, लोडिंग कंडीशन चेंज करेगी तो ऑब्वियस सी बात है आपका क्या करेगा, आई ए की वैल्यू चेंज करेगी, तो इट विल डिपेंड अपॉन द लोडिंग कंडीशन, बट आई एफ इज नॉट गेटिंग बाय व्हाट लोडिंग कंडीशन, आई एफ की कोई डिपेंडेंसी नहीं लोड के ऊपर, मतलब आई एफ आपका नहीं बदलने वाला लोड के वेरिएशन साथ, क्योंकि वीटी अभी भी आपके पास 250 वोल्ट रहेगा, तो 250 वोल्ट आपका वीटी अगर है तो आपको क्या रखना है, आप आई एफ वैल्यू आपकी नहीं चेंज करने वाली, वो अभी उतनी ही बनी रहेगी। तो इसका मीन, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं वीटी चेंज करने वाला, वीटी कह रहे हैं वीटी उतना ही रहना, केवल आपका लोड चेंज करेगा, लोड मीन्स करंट से हमेशा डिफाइंड होता है, तो इसका मतलब वीटी अगर इतना है तो आई एफ वैल्यू अभी भी कितनी रहेगा आपकी 1 एम्पियर, करेक्ट इतनी बात। तो आप बताइए तो वेरिएबल लॉस इसमें क्या हो गया, केवल दिस लॉस ना, दिस इज द वेरिएबल लॉस, क्या ये वेरिएबल लॉस कहलाएगा, नो इट इज नॉट अ वेरिएबल लॉस। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आपको ध्यान रखना है शंट मशीन में जो आपका शंट रेजिस्टेंस होता है उसका जो लॉस होता है वो मैक्सिमम केस में क्या होता है आपका, दैट इज योर कांस्टेंट लॉस की कैटेगरी में होता है आई एफ स्क्वायर इनटू आर एफ, बट सीरीज मशीन में जो आपका सीरीज वाइंडिंग का जो आपका लॉस होता है वो हमेशा वेरिएबल लॉस होता है, क्यों, वो डायरेक्टली लोड करंट से कनेक्टेड होता है। समझ में आ गई इतनी बात, तो आपको ध्यान रखना है चीज, गलती नहीं होनी चाहिए। तो आप बताइए वेरिएबल लॉस केवल इतना होगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉसेस, कांस्टेंट लॉस में एक तो आपके पास नो लोड लॉस है, नो लोड लॉस उतना ही रहेगा, वो नहीं चेंज करने वाला, कितना होगा 400 प्लस कितना, नेक्स्ट लॉ आपका कांस्टेंट लॉस क्या होगा, आई एफ स्क्वायर इंटू आर एफ, तो आई एफ स्क्वायर की वैल्यू कितनी 1, तो इंटू आर एफ, आर एफ वैल्यू कितनी 250, तो 250 की इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल कितना 650 वॉट। समझ में आ गई इतनी बात, इसका मतलब हो गया कि वेरिएबल लॉस मस्ट बी इक्वल टू कितना कांस्टेंट लॉस, तो वेरिएबल लॉस इतना हो गया, कांस्टेंट लॉस आपका इतना हो गया, दोनों को मैंने क्या कर दिया इक्वेट कर दिया, एट व्हाट कंडीशन, एट मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन, करेक्ट इतनी बात। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन में आपसे पूछे, आपको निकालना पड़ेगा आईए करंट, जब तक आईए आप मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन नहीं निकालोगे तब तक आप इस आईएल की वैल्यू नहीं निकाल सकते, और अगर आईएल नहीं निकलेगा तो आप आउटपुट पावर नहीं बता सकते मैक्सिमम एफिशिएंसी में कितना आउटपुट पावर आपका निकल के आएगा। तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए आईए निकालना, बोलिए आईए की वैल्यू अगर निकालना तो आईए इज इक्वल टू, बोलिए जरा क्या हो जाएगा, रूट ऑफ कितना, बोलिए 650 डिवाइड बाई कितना आर ए, करेक्ट हुई इतनी बात, और रूट ऑफ 650 अगर मैं करता हूं तो डिवाइड बाय आर ए, आर ए की वैल्यू कितनी 0.5 आपके पास अवेलेबल है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 6500 डिवाइड बाय कितना 5, तो मेरे पास कितना आ जाएगा रूट ऑफ कितना हो जाएगा बोलिए बेटा 51, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या हुआ, आपके पास 1 3, नेक्स्ट कितना 0 0, करेक्ट हुई इतनी बात, आई थिंक इट्स गुड। तो आप इस रूट की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको वैल्यू किसकी मिल जाएगी, आपको निकल के आ जाएगी किसकी, आई एक वैल्यू। चलिए इसको निकालते हैं जरा और देखते हैं आई एक वैल्यू कितनी निकल के आएगी, देखिए जरा मैं निकाल देता हूं रूट ऑफ 6500 डिवाइड बाई कितना 5, आप इसको कर दीजिए तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 36.05, कितना आ गया बेटा 36.05 क्या एम्पीयर। तो ये जो करंट आई है किस कंडीशन के लिए आई है, मैक्सिमम इफिशियंसी कंडीशन में आई है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं मेरा सारा काम खत्म होते जा रहा है, तो वेरिएबल लॉस पता चल गया, आईए की वैल्यू आपको पता चल गई, तो ये मैं हटा रहा हूं इस चीज को, तो आपके पास कितना आ जाएगा बोलिए जरा, ये हट गया अगर तो मेरे पास कितना आ गया आईए की वैल्यू आपके निकल के आ गई बेटा कितना 36.05 एम्पीयर, एट व्हाट कंडीशन, एट मैक्सिमम इफिशियंसी कंडीशन। अब देखिए जरा आगे बढ़ते हैं जरा,
अगर आई एक वैल्यू आपको मिल गया मैक्सिमम इफिशियंसी कंडीशन में, दिस इज माय आई ए एट व्हाट ईटा मैक्स कंडीशन। अब अगर आई ए मिल गया तो बोलिए आई एल तुरंत निकल जाएगा। आई एल का वैल्यू मैक्सिमम इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, ये इतना है, दिस वैल्यूज इतना, आई एफ इसमें माइनस कर दो, वन इसमें माइनस कर दो, तो माइनस कितना वन अगर कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, आई एल की वैल्यू बेटा निकल के आ जाएगी 35. कितना 05 क्या एम्पियर, करेक्ट हुई इतनी बात। तो ये सब जो मैं करंट्स निकाल रहा हूं किस केस के लिए निकाल रहा हूं, मैक्सिमम इफिशियंसी कंडीशन के लिए निकाल रहा हूं, तो ये मेरी करंट्स की वैल्यू आ गई। अब बताइए पी आउट कोई कहता है, पी आउट की वैल्यू कितनी आ जाएगी किस पे, ईटा मैक्स कंडीशन में, ईटा मैक्स कंडीशन पी आउट कितना आएगा, वीटी मल्टीप्लाइड बाय आईएल, वीटी की वैल्यू 250 है तो इनटू कर दो 250, तो कितना आ जाएगा आंसर बताइए जरा, दैट इज इक्वल टू 8763.87 क्या व्हाट। तो पी आउट की वैल्यू आपको पता चल गई मैक्सिमम इफिशियंसी कंडीशन में, बस आपको यही निकालना था, एक तो करेस्पॉन्डिंग आउटपुट पावर आपको कैलकुलेट करना था, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगा आपकी मैक्सिमम इफिशियंसी कंडीशन में, इतना आउटपुट पावर आएगा, कितना आएगा बेटा 8769. कितना 87 वाट की इक्वल। अब बताइए इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, बोलिए 8763.87 डिवाइड बाई 8763.87 प्लस कितना 2 टाइम्स ऑफ कांस्टेंट लॉसेस, कांस्टेंट लॉस टोटल कितना आया था 650 वाट की इक्वल, तो दिस इज माय 650 कितना वाट। इसको जरा सॉल्व करते हैं और फाइनली 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितनी इफिशियंसी आएगी। तो ये तो वैल्यू इतनी हो गई, प्लस इसमें कर देता हूं मैं, निकाल देता हूं 2 टाइम्स ऑफ, आप कैलकुलेट करते रहिए, 2 टाइम्स ऑफ 650 इज इक्वल टू, आपके पास आ गया इतना, इसका इनवर्स ले लिया मैंने, मल्टीप्लाइड बाय कितना कर दिया मैंने 8763. कितना 87, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई। तो आंसर जो आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा, मैक्सिमम इफिशियंसी आपकी आएगी, ईटा मैक्स की वैल्यू मैं यहां लिख दे रहा हूं, दैट इज इक्वल टू आ जाएगी 87.08%। जबकि रेटेड कंडीशन इफिशियंसी कितनी आ रही थी 87.03%, बट आपकी मैक्सिमम इफिशियंसी जो आएगी 87. कितना 08 कितना बेटा परसेंट की इक्वल। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो दिस इज योर व्हाट आग पास, ये मैक्सिमम इफिशियंसी आग पास आ गई। अब बताइए, अब अगर कोई कहता आपसे चलिए मैक्सिमम इफिशियंसी निकल गया आउटपुट पर, अब कोई कह देता आपसे बताइए कितना इनपुट मैकेनिकल इनपुट पावर कितना होगा अंडर मैक्सिमम इफिशियंसी कंडीशन में, तो आप बताइए ये नीचे वाली जो टर्म है ये क्या है, यही तो है ना इनपुट पावर, यही तो है ना टोटल मैक्सिमम इफिशियंसी कंडीशन में आपकी पावर। तो आप बताइए इनपुट पावर कितना हो जाएगा, इसको निकाल देते हैं, कितना होगा बोलो बेटा 2 × 650 This is equal to 1300 प्लस का प्लस कितना बेटा 8763. कितना 87, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10.06 किलोवाट। तो मैं कह दूंगा पी इन जो आएगा अंडर मैक्सिमम इफिशियंसी कंडीशन में कितना आएगा 10.063 किलोवाट, करेक्ट हुई इतनी बार। आपसे कुछ भी पूछे फर्क नहीं पड़ता, आपके अगर कंसेप्ट क्लियर हैं तो बेटा कोई गलती नहीं होगी, डेफिनेटली आप आंसर को क्या कर सकते हो, आप गेन कर सकते हो। आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए, आपसे कोई गलती होने के चांस नहीं रहने चाहिए। तो आपसे कुछ भी इस क्वेश्चन पूछता तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इफिशियंसी के ऊपर जो पूछा जाता है डीसी मशीन में, आप इस तरीके से चीजों का आप डील करोगे। ध्यान रखना कौन सा वेरिएबल लॉस होगा, कौन सा कॉन्स्टेंट लॉस होगा, यह आपको सेपरेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें गलती कर जाओगे तो आपका सब कुछ क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, करेक्ट हुई इतनी बात। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, चलिए और भी देख लेते हैं और भी क्या क्वेश्चन इसमें हम फ्रेम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, आप देखिए दिया हुआ अ परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, ठीक है। तो आपके पास एक डीसी मोटर आपने सिंपली आपने बना लिया, क्या मेरे पास है डीसी मोटर, दिस इज रेजिस्टेंस आर्मेचर, ठीक है, दिस इज माय ब्रश, दिस इज माय ईए, करेक्ट, दिस इज माय मोटर, ओके, दिस इज आरए, दिस इज प्लस माइनस कितना वीटी, दिस इज माय आईएल, दिस इज माय आईए, दिस इज प्लस माइनस कितना ईए वैल्यू, करेक्ट हुई इतनी बात। अब बताइए आपसे कहा है कि द डीसी मोटर विद अप्लाइड आर्मेचर वोल्टेज, आर्मेचर वोल्टेज मतलब होता है आर ए और ई ए को इंक्लूड करके जो वोल्टेज होता है, मतलब दिस वोल्टेज, तो वी टी वैल्यू कितना दिया हुआ, दैट इज इक्वल टू 5 वोल्ट, करेक्ट हुई इतनी बात। हैज एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 4.6, तो आर ए की वैल्यू आपको दिया 4.6 कितना ओम वैल्यू, ठीक है। द मोटर ड्रॉज एन आर्मेचर करंट ऑफ 12.5 मिली एम्पियर, तो 12.5 मिली एम्पियर, तो आई एल की वैल्यू कितनी हो गई, या आई ए की वैल्यू दोनों सेम ही होंगी, कितनी वैल्यू आएगी 12.5 × 10 कितना -3 कितना एम्पियर, समझ में आई इतनी बात। नेक्स्ट आपको दिया कि ये सब कुछ किस पे है, एट नो लोड कंडीशन,
किस पे बेटा? एट नो लोड कंडीशन। तो नो लोड कंडीशन मैंने आपको समझाया था मोटर में नो लोड का मीनिंग क्या होता है। मोटर में नो लोड का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं होता कि आईएल का वैल्यू जीरो होगा। ये अगर ये जनरेटर होता तो आईएल डेफिनेटली मस्ट बी जीरो, ये होना चाहिए। नो लोड अगर परफेक्टली नो लोड है तो आईएल का वैल्यू जीरो होना चाहिए इन केस ऑफ जनरेटर, बट मोटर में ये चीज ठीक नहीं है कहना ये। हाँ, कई जगह आप देखोगे नो लोड करंट को जीरो मान लिया जाता है, जब कोई भी ऐसी चीज मिली नहीं रही होती जिससे आप कैलकुलेशन मोटर में कर सकते हो, तो आप तब उस केस में आप नो लोड करंट को आप जीरो मान लेते हो। बट आप ऐसा कभी मत करना, अगर पॉसिबल कैलकुलेशन या आपको गिवन है तो आप उसको प्लीज टेक केयर करना कि किस तरीके से उसको आप यूटिलाइज करो। नो लोड का मीनिंग क्या होता है मोटर और जनरेटर में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब देखिए जरा, तो मेरे पास नो लोड कंडीशन है, नो लोड पे जो स्पीड है वो कितनी, n की वैल्यू कितनी है 11210 rpm, करेक्ट हुई थी, काफी हैवी स्पीड है, ठीक है, 11210 rpm, दैट्स अ ह्यूज स्पीड। द मोटर टॉर्क कांस्टेंट km, तो मोटर टॉर्क का कांस्टेंट km, अब देखो जरा टॉर्क कांस्टेंट km, अब km क्या है, t इज इक्वल टू क्या लिखते हो बताइए जरा, t इज इक्वल क्या लिखते हो, k phi कितना ओमेगा, सॉरी k phi कितना आईए, यही लिखते हो ना, t इज इक्वल टू, करेक्ट हुई इतनी बात। ईए इज इक्वल टू क्या लिखते हो, के फाइ कितना ओमेगा आर, करेक्ट हुई इतनी बात। अब बताइए ये केएम कौन सा कांस्टेंट है, क्या ये के है, नहीं, रॉन्ग, ठीक है, के नहीं है। आपको यूनिट जरा ध्यान से देखना, यूनिट क्या इसकी दे रखी है, यूनिट दी है वोल्ट पर रेडियन पर सेकंड। तो आप बताइए अगर मैं यहां देखो ये के और ये के दोनों सेम, ये फाई और ये फाई दोनों सेम है, ध्यान रखना इस चीज को, ये के फाई पूरी वैल्यू यही है जो यहां पे आप यूज करोगे वही यहां पे भी यूज होगा आपका, ठीक है। तो आप बताइए जरा यहां ध्यान देखो, के फाई इज इक्वल टू अगर आप लिखो तो क्या मिलेगा, ईए डिवाइड बाई कितना ओमेगा आर, इसकी यूनिट अगर लिखोगे तो क्या मिलेगा, वोल्ट बोलो डिवाइड बाई ओमेगा आर की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर क्या सेकंड। तो आप जरा ध्यान से देखिए जो यहां km दिया है इसकी यूनिट भी क्या दी हुई, वोल्ट पर रेडियन पर सेकंड, इसका मतलब ये एक्चुअली km का मतलब k phi है, समझ में आई इतनी बात। तो आपसे पूछा है t is equal to आप क्या लिख सकते हो, km times of कितना ia, या ea is equal to आप लिख सकते हो बेटा km times of कितना omega, समझ में आई इतनी बात। तो आपसे km की वैल्यू भी पूछा है कितनी वैल्यू आएगी, करेक्ट हुई इतनी बात। एंड नो लोड रोटेशन लॉसेज आपसे पूछा है, तो मैंने बताया था मोटर के केस में जो नो लोड कंडीशन जो आर्मेचर जितना पावर डेवलप करता है, और आर्मेचर पावर डेवलप कितना होता है, ईए टाइम्स ऑफ कितना आईए, एट दैट कंडीशन जो भी करंट फ्लो कर रही है उसके मल्टीप्लिकेशन का नो लोड पे जितना रोटेशन लॉस होगा उसी के इक्वल होगा जितना आर्मेचर पावर डेवलप होगी, क्योंकि उसके पास और कोई काम नहीं होगा, वही डेवलप कराएगा वो, क्लियर उतनी बात, ठीक है। अब आप बताइए, अब आप कहोगे ये चीज कैसे सर, ये चीज कैसे होती है, आप खुद सोचो ना इस चीज को, यहां पर नो लोड कंडीशन बताइए, यहां पावर कितनी डेवलप होगी बताइए, जो आर्मेचर पावर डेवलप होगी पी ए इज इक्वल टू कितना ई ए टाइम्स ऑफ कितना आई ए, अंडर नो लोड कंडीशन बात कर रहा हूं, या किसी भी लोड कंडीशन में आर्मेचर पावर इतनी होगी। अब बताइए, अब अगर शाफ्ट से कोई लोड ही नहीं कनेक्टेड, पीएल की वैल्यू आपकी जीरो है, ठीक है, तो आप खुद बताओ मुझको आउटपुट पावर जो लिखते हो आप मोटर केस में, आउटपुट या शाफ्ट पावर क्या लिखते हो आप बताइए, जितना भी आर्मेचर पावर हो माइनस उसमें क्या करते हो, रोटेशन लॉसेस, बोलो ना, रोटेशन लॉसेस को क्या करते हो आप, माइनस करते हो, तभी तो निकलता है ना आपका आपका आउटपुट पावर इन केस ऑफ मोटर। तो आप बताइए मेरे को, जो आउटपुट पावर अगर ये वैल्यू जीरो हो गई, अगर ये जीरो वाट की इक्वल मतलब नो लोड कंडीशन है, तो आप बताइए पीए की वैल्यू रोटेशन लॉस की इक्वल आएगी कि नहीं आएगी। तभी मैं बार बार कह रहा हूं इन केस ऑफ मोटर जो रोटेशन लॉसेस होते हैं वो हमेशा किसके इक्वल होते हैं, जितना आर्मेचर में पावर डेवलप होती है एट दैट लोडेड कंडीशन, और नो लोड कंडीशन पे आपका पी आउट जीरो होता है, इसलिए दोनों पावर क्या होती है आपकी इक्वल होती है। बट जनरेटर में ऐसा नहीं होता, जनरेटर में आप नो रोटेशन लॉस इज इक्वल टू आप आर्मेचर में डेवलप पावर की इक्वल नहीं कर सकते बेटा, रॉन्ग हो जाएगा आपका, क्लियर उतनी बात, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा चीजों को किस तरीके से आपको डेवलप करना है, ये चीजें अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है, चलो ये चीज हो गया, ठीक है। तो अब देखिए जरा ध्यान से, तो मतलब अंडर नो लोड कंडीशन पे अगर मुझको निकालना है पावर के बारे में रोटेशन लॉस, तो आप बताइए जरा मुझको क्या क्या निकालना, अंडर नो लोड कंडीशन सबसे पहले ईए निकालूंगा, तो ईए इज इक्वल क्या होगा, वीटी मोटर है माइनस आईए टाइम्स ऑफ कितना आर ए, वीटी की वैल्यू बोलिए बेटा 5 वोल्ट, माइनस आईए की वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना है 12.5 इंटू 10 पावर कितना -3 टाइम्स ऑफ आर ए की वैल्यू कितनी 4.6। तो आप बेटा इसको जरा कैलकुलेट कर लिए और बताइए जरा ईए कितना आएगा, तो मैं आपको बता देता हूं ईए की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये आपके पास आ जाएगी 4.94 वोल्ट के इक्वल, 4.94
वोल्ट की इक्वल, आप जरा बेटा इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 4.94 वोल्ट की इक्वल आ जाएगी। किसकी वैल्यू बेटा? ईए की वैल्यू। तो आप बताइए आर्मेचर में जो पावर डेवलप होगी पीए इक्वल कितना होगा, ईए टाइम्स ऑफ कितना आईए। तो ईए की वैल्यू है 4.94 इंटू आईए की वैल्यू है 12.5 10 पावर कितना -3। इसको जरा मल्टीप्लाई कर दो, यू आर गोइंग टू गेट द पावर वैल्यू अंडर नो लोड कंडीशन, तो ये वैल्यू आपका आएगी 61.78 मिलीवाट, 61.78 मिलीवाट। समझ में आ गई इतनी बात? तो एक आंसर आपका मिल गया। क्या आंसर मिल गया बेटा? कि नो लोड पे जो रोटेशन लॉस होगा वो कितना होगा आपके पास, 61.78 कितना मिलीवाट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा आपसे कि वो जो कांस्टेंट आपका केएम है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, जरा देखते हैं उसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी। मैं हटा रहा हूं इसकी नीड नहीं हमको, ठीक है। तो आप बताइए मेरे को कांस्टेंट का अगर आपको वैल्यू निकालना है, देखो जरा कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। केएम टॉर्क तो दिया नहीं है, ठीक है। तो नो लोड कंडीशन पे चाहे हो चाहे फुल लोड पे हो, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो आप बताइए मेरे को अगर मैं कहता हूं मैं इसको निकालना चाहूं, तो बोलिए KM इज इक्वल टू अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, बोलिए कैपिटल T डिवाइड बाई कितना आईए। सही है कि नहीं सही, बोलो ना। ये क्वेश्चन देखो ना ध्यान से, ठीक है। अब बताइए टॉर्क नो लोड कंडीशन पर अगर निकालना हो तो क्या करोगे आप, नो लोड कंडीशन पे टॉर्क अगर आपको आर्मेचर में कितना डेवलप हो रहा है, टॉर्क जो रोटेशन लॉसेस को फुलफिल कर रहा होगा, तो उस टॉर्क अगर निकालना होगा तो क्या लिखोगे, बोलो बेटा टॉर्क पावर में क्या रिलेशन होता है, पीए डिवाइड बाई कितना ओमेगा आर इंटू कितना आईए। करेक्ट हुई इतनी बात? अब बताइए पीए की वैल्यू अभी अभी तुमने निकाला कितनी आई है, 61. कितना 7.8 इंटू 10 पावर कितना -3 डिवाइड बाई ओमेगा आर अगर तुमको निकालना होगा तो ओमेगा आर कितना आ जाएगा, बोलिए जरा 2 पाई इंटू एनआर। एनआर की वैल्यू कितनी है नो लोड कंडीशन जो स्पीड है कितनी है 11210 डिवाइड बाई कितना 60, ये ओमेगा आर हो गया, इंटू कितना आईए। आईए की वैल्यू कितनी है 12.5 इंटू 10 पावर कितना -3, ये तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो आप जरा इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, बताइए जरा कितना आ जाएगा, 61.78 इंटू कितना 60 ऊपर जाएगा 60 डिवाइड बाई कितना बोलो बेटा 2 पाई इंटू कितना 11210 इंटू कितना 12.5। समझ में इतनी बात? इसको जरा सॉल्व कर लीजिए और बताइए मुझको कितना आएगा। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं कितना आ जाएगी, 61.78 मल्टीप्लाइड बाय कितना बेटा 60 इज इक्वल टू इतना डिवाइड बाय 2 इंटू पाई इंटू कितना है 11210 नेक्स्ट कितना इंटू कितना है 12.5। ये वैल्यू बेटा आपके पास टोटल आ जाएगी 10 पावर कितना -3। करेक्ट हुई इतनी बात? तो ये आपका आंसर हो गया, केएम की वैल्यू आपके पास इतनी आ जाएगी। आउटपुट पावर आपको जो निकालना था रोटेशन लॉसेस आपने निकाल लिया था 61.78 मिलीवाट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा चीजों का आपको किस वे में हैंडल करना है, किस तरीके से आप लेके चलोगे। तो बेटा मैं एकदम बेसिक आपके डाउट्स को बता रहा हूं, बेसिक आपके जो आपसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है कहां पे क्या लेना है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इन चीजों को बहुत गौर से देखा करो, बहुत ध्यान से देखा करो और अपने डाउट्स को एग्जैक्टली आप क्लियर किया करो। करेक्ट हुई इतनी बात? तो चलिए, तो यहां मैं इसके क्वेश्चन डिस्कशन, मैंने 10 क्वेश्चन लिए, 10 क्वेश्चन बहुत ही अलग टाइप के क्वेश्चन थे, बहुत डिफरेंट तरीके से मैंने सेलेक्ट किए थे, हर टाइप के प्रॉब्लम्स को मैंने इंक्लूड करने की कोशिश किया है। तो आप इसको एंजॉय करते रहिए, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।